खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आंवला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लालावाड़ी से है, जहां पंडित श्री बालकृष्ण गणेश दत्त शास्त्री जी जो कि कन्नौज उज्जैन से हैं, उन्होंने धूमधाम से कृष्ण भगवान की महिमा सुनाते हुए बताया कि वारस्कर परिवार द्वारा ये भागवत कथा का आयोजन रखा गया है, जो कि वारस्कर परिवार के संपूर्ण ग्राम लालावाड़ी एवं समस्त क्षेत्रवासियों की सुख शांति और खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की है। वहीं पंडित जी ने बताया कि ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है, जो कि श्रीमती ज्योति संदीप वारस्कर और संदीप वारस्कर, श्री हरिराम जी वारस्कर और संतोष वारस्कर द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो आज शांतिपूर्ण रूप से भंडारा प्रसाद के साथ समाप्त किया जाएगा। सादर जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का ये भव्य आयोजन हुआ है, 30 तारीख से ये प्रारंभ हुआ है, आज 5 फरवरी को इसकी पूर्णाहुति हुई है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसा मान करके हम सब ने इसकी पूजा और आराधना की है और दूर दराज से लोग पधार करके श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लिया है। सत्संग पुरुषार्थ का फल नहीं है, सत्संग भगवान की कृपा का फल है। और आज 7वें दिन की कथा की पूर्णाहुति पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है और धर्म के प्रति लोगों का जो भाव है वो आज भी श्रेष्ठ है और सत्संग ही मनुष्य का कल्याण करता है, इस भावना से दूर दूर के लोग पधारे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये जो आयोजन किया गया है, ये किस परिवार द्वारा किया जा रहा है और आप इन परिवार को क्या बधाई देना संदेश देना चाहोगे? श्री हरिराम जी बारस्कर परिवार के द्वारा ये आयोजन हुआ था, उन पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद है और उनके लिए कहना चाहता हूँ कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ गुलाब सुगंध दे आपको, मैं तो क्या दे सकता हूँ लेकिन मेरा परमात्मा जगत की खुशियाँ दे आपको। अच्छा, ये क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्षेत्रवासियों को मेरा यही संदेश है, प्रेम से रहना, सद्भावना से रहना, अच्छे विचारों से रहना। आज मानव जीवन की कीमत को हमको समझना है और मानव बन करके हमको रहना है। मानवता का अर्थ यही है कि हमारे भीतर प्रेम हो, सहिष्णुता हो, सौहार्द हो, सद्भावना हो, सद्विचार हो, उसी को मनुष्य कहा गया है और ऐसे मनुष्य की ही कीमत होती है। ठीक है, धन्यवाद।